Arsenal, we're going fast, guys. I'm Alhamdulillah, ab theek hai. Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब? तो आपने देखा अभी इंट्रो अरहान ने स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा चलो वो भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि वो मैं जब से बोल रही हूँ तो वो भी देख देख कर सीख गया है। तो फ्रेंड्स, हमने पेट्रोल डलवा लिया है और हम जा रहे हैं आज गोलकुंडा फोर्ट फुल एक्सप्लोर करने। तो चलिए देखते हैं, पहले भी गई हूँ मैं, जब छोटे थे तब गए थे फैमिली के साथ, तो अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो चलिए चलते हैं गोलकुंडा फोर्ट, और ये है बंजारी दरवाज़ा, तो यहीं से होकर जाना होता है गोलकुंडा फोर्ट। तो चलिए हम आपको गोलकुंडा फोर्ट का पूरा एक्सप्लोर कराते हैं। हम लोग गोलकुंडा फोर्ट में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर आए हैं हम लोग। देखिए, मैं और मेरे मम्मी एंड मेरे सिस्टर और उनके बच्चे और मेरे ननंद के दो बच्चे और मेरे हस्बैंड के साथ हम सब यहाँ पर आए हैं। और मैंने टिकट ले लिया है यहाँ पर, टिकट 25 रुपीस टिकट है, ज़्यादा भी टिकट नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए फ्री है टिकट और सिर्फ बड़ों के लिए है। और जैसा ही हम लोग अंदर एंटर हुए, तो बच्चों को तो स्नैक्स वगैरह होना होता है, तो हम लोगों ने पानी ले लिया वहाँ से, वाटरमेलन ले लिया, और इसके बाद हम लोग अंदर चले गए। वीकेंड का टाइम था इसीलिए आज बहुत पब्लिक थी, और जब भी मैं यहाँ से मैं जाती आती हूँ तो यहाँ पर हर सैटरडे संडे या नॉर्मल डेज में बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है। और यहाँ पर इंडिया से ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर से भी लोग यहाँ पर आके जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। तो चलिए हम चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर, और आपको भी बताते हैं।
तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि गोलकोंडा किस चीज़ से फेमस है और यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। तो जितना मैंने सुना है या जितना मैंने पढ़ा है, मैं उतना आपको बता देती हूँ। गोलकोंडा फोर्ट 13th century में बना था और ये कोई बोलता है 500 ईयर्स पुराना है, कोई बोलता है 1000 ईयर्स पुराना है। तो इसका कंफर्मेशन तो मैं भी नहीं दे सकती। तो 500 ईयर्स पुराना तो ये है। और इसके जो रियल हीरो थे उनका नाम था अब्दुल रजाक लारी। गोलकोंडा फोर्ट के ये रियल हीरो थे। और ये गोलकोंडा फोर्ट 400 फीट पर ऊपर बना हुआ है ग्राउंड लेवल से, यानी नीचे से ऊपर तक ये जितना भी बना हुआ है इसकी हाइट 400 फीट ऊपर तक है। और इसके अंदर पुरानी मस्जिद भी है एक। अगर मैं अंदर जाऊंगी यानी ऊपर तक जाऊंगी मस्जिद के पास तक, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी वो कौन सी मस्जिद थी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं अंदर। यहाँ पर अंदर जाने से सीधा हम बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर हमको ऊपर जाने का भी रास्ता दिखेगा। तो हम ऊपर जाने का भी सोच रहे हैं, तो चलिए हम सब चलते हैं। यहाँ पर मेरे दोनों भांजा भांजी और मेरे ननन के दोनों बच्चे और मैं और हस्बैंड हम लोग ही जा रहे हैं, और मम्मी और अरहान और दीदी वो लोग नीचे ही बैठे हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कहाँ तक जाइए और यहाँ पर क्या क्या और स्पेशल चीज़ें हैं, मैं आपको वो बताती हूँ आगे। गोलकोंडा फोर्ट की और एक स्पेशलिटी ये है फ्रेंड्स कि ये पूरा का पूरा ग्रेनाइट से बने हुआ है। पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा का पूरा वो एक ग्रेनाइट से बने हुआ है। आप जहाँ भी देखेंगे सिर्फ ग्रेनाइट्स ही दिखेंगे आपको, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये देखिए पूरा का पूरा, और इतना अच्छा और इतनी खूबसूरती से बना हुआ है कि बस आप जब सामने आएंगे तो ही आप वो खूबसूरती को देख पाएंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं और मैं आपको यहाँ का व्यू बताती हूँ। हम जहाँ थोड़ा सा ही ऊपर आए हैं अभी, तो इतना नीचे दिख रहा है। तो देखिए मेरे सिस्टर और मेरे मम्मी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपको फिंगर शो करके बता रही हूँ। तो अभी हम थोड़ा सा ही ऊपर आए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और हम लोग पानी भी नहीं लेकर आए थे। फिर अब देखते हैं आगे जाकर पानी ले लेंगे। और ये देखिए ऊपर का व्यू, इतना मस्त व्यू, इतना प्यारा दिख रहा था। तो चलिए और ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको मैं व्यू बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग थक गए यहाँ पे और थक के बैठे हुए। शाइस्ता और इरम भाग रहे खाली। हम आए से फॉग
लोग हैं कि बादल है, कोने में दिख रहा पानी वो पहले पानी ले लो भाई, बहुत प्यास लग रही। देख के आओ जो पहले पानी लियो। तो मेरे हस्बैंड लेने गए हैं वहाँ पर पानी, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो थोड़ी देर यहाँ पर रुककर हम पानी पी लेंगे। अभी अपने कुत्ती ऊपर जाना है अभी, और दो फ्लोर। ये अब यहाँ से कैसे 4 मिनट जा सकते हैं? क्या है? तहखाना है कुत्ते अंदर, 4 मीनार को जाने का रास्ता। ये पूरे सागवान की लकड़ियां हैं। हाँ मालूम। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं और ऊपर, और यहाँ का व्यू देखिए आप, इतना मस्त, माशाल्लाह बोल सकते हैं आप। सभी बिल्डिंगें, सभी चीज़ें इतनी छोटी छोटी लग रही थी ऊपर से। तो अभी तो ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, अभी और इसके ऊपर भी जा रहे हैं हम। तो और ऊपर जाके मैं आपको और ऊपर का व्यू बताती हूँ, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। है फिर से अंधेरा आ गया। कितने छोटे हैं सीढ़ियां। फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल प्लेस, पूरा ऊपर आ गया हम लोग। पूरा फॉग आ रहा, एकदम पूरा फॉग आ रहा। वाह, वो क्या क्रिकेट खेलने का है? तो फ्रेंड्स ये जो गोलकुंडा बना हुआ है, ये पूरा का पूरा 11 किलोमीटर्स तक बना हुआ है। पूरा राउंड जितना भी ये बड़ा है, ये 11 किलोमीटर्स तक बड़ा बना हुआ है। और गोलकुंडा फोर्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत यादगार जगह है, बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है। तो अगर हैदराबाद के जो बाहर सब्सक्राइबर्स है मेरे, अगर वो लोग देख रहे हैं तो आप लोग हैदराबाद ज़रूर आइए और गोलकुंडा फोर्ट भी ज़रूर आइएगा। तो हम लोग यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लोर कर लिए हैं, अच्छे से पिक्चर्स वगैरह भी हम लोगों ने क्लिक कर लिया है सब लोग के। और चलिए अब ये नीचे जाने का रास्ता है, तो चलिए नीचे चलते हैं, क्योंकि शाम भी हो गई है और मम्मी वो लोग भी बहुत वेट कर रहे हैं नीचे जब से। तो चलिए नीचे चलते हैं, और नीचे जाने के वक्त भी हमको जो जो भी दिखेगा या जो जो भी मिलेगा हम आपको ज़रूर बताएँगे।
फ्रेंड्स, जितना ऊपर चढ़ना मुश्किल है उतना ही नीचे जाना भी मुश्किल है, क्योंकि इसकी सीढ़ियाँ बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े स्टेप्स लेना पड़ रहा था। तो उस वजह से हम उतरने के टाइम भी बहुत ज़्यादा थक गए थे और मग़रिब का भी टाइम हो गया है, तो अब ये बंद होने वाला है। तो यानी कि अब तो सर्दियाँ हैं तो शाम मग़रिब बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसीलिए जल्दी ही बंद हो जाता है ये। और ये देखिए ऊपर का व्यू, बहुत ही मस्त व्यू था, बहुत ही प्यारा था, बिल्कुल पहाड़ थे और ग्रेनाइट से बने हुआ था जैसा बोला था मैंने, और बहुत ही अच्छा लग रहा था और ठंडी हवा भी चल रही थी। यहाँ पर बहुत बड़े रिवर्स एंड वेल्स भी है बोलकर मैं सुनी थी, और उसमें से एक शायद ये भी है। तो तकरीबन जगह यहाँ पर बंद है, यानी वो लोग ने बंद करके रखा है, शायद सेफ्टी रीजंस के लिए बंद करके रखा था। तो यहाँ पर ये एक था तो मैंने बता दिया, और एक भी है आगे चल के मैं आपको बताऊँगी, ये वाली है। ये अंधेरा हो गया था तो इतना क्लियरली नहीं दिख रहा था, तो ये एक थी वो एक थी, दो ही दिखे और शायद हो भी सकते हैं आगे। और ये जो हम स्ट्रेट जा रहे हैं सामने, यहाँ पर तेरे नाम की शूटिंग भी हुई थी, तो वो ये प्लेस है जहाँ पर तेरे नाम की शूटिंग हुई थी। और अंधेरा हो गया था, मेरे फ़ोन में चार्ज भी ख़त्म हो गया था, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकी कुछ भी। हम लोग निकल चुके हैं बाहर और हम लोग आगे रुककर थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, थोड़ा सा आइसक्रीम खा लिया एंड बैठे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे हम लोगों के, मेरे तो स्पेशली दर्द कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग घर आ गए वापस। होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।